ready one? Ready one, two, three, four. Today was very happy day. Why? यार एकदम मैं खुश हूँ आज. पूछ क्या हूँ? क्यों? मियाँ. ओ बड़े मियाँ साहब से छोटे मियाँ साहब तो न पता कट्टे नहीं ना मिल रहे. हाँ. ओ बड़े अच्छे तो बात आज मैं गया तो दो में कट्टे. अच्छा. छोटे मियाँ साहब तो बड़े मियाँ साहब. मैं अंदर बड़े तो दो में कट्टे तो नाल कोई बंदा नहीं हर पास है हूँ दाल. ओ मैं कमरे के बीच बड़े ना छोटे बड़े मियाँ साहब जी सर ते अगे ना जी गत्ता रखे इम्तिहानी गत्ता नहीं हुंदा. हाँ. ओ अगे रख के बैठे ने ते बाल पेंड आते चाहेगा. ठीक है. मैं एंटर होके सलूट किया एडे ओ मगन. हाँ. कि उन्होंने मेरा सलूट नहीं सुनया. ओए होए होए ईमान नाल कर के रहे थे वो लिख रहे सन जी नाल ते मैं ना पिछू फिर आया थे ना सेंटर दे विच मैं खलोगे ते ए हुण छोटे मियां साहब ने. ठीक है. अल्लाह माफ करे. सॉरी 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 मतलब ए छोटे मियां साहब ने ते ए बड़े मियां साहब ने ते गत्ते दे तो लिखे सन 2024 यानी नए साल का रेजोल्यूशन. ओए अच्छा. हां सारे बड़ी सीरियस गल होंदी है. आई नो आम बंदे नु नहीं ना पता और तुसी ए भी आम हो. ओ ठीक है. तो ओदे ते बड़े मियां साहब ने लिखया इस साल यानी 2024 को 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे. ठीक है. ते छोटे मियां साहब ने उन्होंने को बाल पॉइंट ले है. हाँ. ते तले लिखा और मैं वजीरे आला बनूंगा. रेजोल्यूशन में ना ये भी होता है. अच्छा रेजोल्यूशन. फिर हाँ बड़े मियां साहब ने लिखा है कि भाई अगर हम ज्यादा सीटें ना ले सके. हाँ. तो जमहूरियत की खातर अपोजिशन करेंगे. ठीक है. अब छोटे मियां साहब ने उन्होंने को बाल पॉइंट ले है. हाँ. ते तले लिखा है और वजीरे आला मैं ही रहूंगा. जी सर. फिर बड़े मियां साहब ने लिखा है कि अगर हम अपोजिशन की पोजीशन में भी ना हुए. हाँ. तो फिर मैं कुछ अरसे के लिए बैरवने मुल्क रेस्ट पे चला जाऊंगा. अच्छा. उन्होंने ना कोई बाल पॉइंट लिया. हाँ. यार एडी अच्छी गल उन्होंने लिखी है. हाँ. उन्होंने लिखा है और वजीरे आला मैं ही रहूंगा. फिर बड़े मियां साहब ने लेके बाल पॉइंट पे लिखे है अगर हुकूमत नाकाम हुई. हाँ. तो मुझे वापस आना पड़ेगा. ओके. छोटे मियां साहब ने बाल पॉइंट लिया. ओए 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 जो उन्होंने लिखे है ना यकीन करो मैं जिंदगी सोच भी नहीं थी सकता. हाँ. उन्होंने लिखे और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मैं हूंगा. बड़े मियां साहब ने कहा कट कट हूं मेरे सामने कट. ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਜਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ. ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ. ਅੱਛਾ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ दम पुख्त कनक दिन. अच्छा यार दम पुख्त विच जो इन्होंने एक्टिंग की थी है. हाँ. अपना नूरुल हसन तनवीर साहब ने. नहीं नूरुल हसन तनवीर नहीं है. नूरुल हसन तनवीर साहब साडे एमएनए हैगे ने. वो एमएनए थे ओंदे सन. लेकिन सर नूरुल हसन साहब दा नाम जिथे आ जावे ना. हाँ. ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ. ਅੱਛਾ. ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ. 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ. ਅੱਛਾ. ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ. ਆਹਾ. ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ. ਬਾਅਦ ਕੋ ਆਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ. ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਨੈਚੁਰਲ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜੀ ਜੀ. ਆਮਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਸਰ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਤਗਰ ਹਾਂ ਦਰਸੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਿਲਾ ਐ ਦਮ ਪੁਖਤ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਲੋਵੋ ਸਰ ਜੀ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗਾ ਸਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਪਿਆ ਆਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 3 ਜੂਸ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਭੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪ 2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਕ
वेलकम बैक टू गपशप जी, क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीसा, मेरा क्वेश्चन मिसामना से है कि आपके नज़दीक हमारी इंडस्ट्री में जो न्यू कमर्स एक्टर्स आते हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री उनके लिए वेलकमिंग है? बहुत वेलकमिंग है, मुझे देख लीजिए, मेरा तो कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, उसके बावजूद आई एम वर्किंग और बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। और ए जो मुंडे अपनी सालगिरह ते खापा इंदे में शकरकंदी खानी है। लेकिन एक एक शर्त है कि अगर आप में टैलेंट है। और ये कैसे पता चलता है कि टैलेंट है या नहीं है? ये तो डायरेक्टर को पता चलता है कि आप में टैलेंट है या नहीं है। मतलब सब डायरेक्टर पे, और डायरेक्टर के ना टैलेंट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्टर का काम बताता है। हाँ। वो काम होने तक काम तमाम भी हो सकता है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मेरा सवाल नूरुल हसन साहब से है कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका नहीं ख्याल कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे निकल चुका है, तो हमारी भी इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए? जी जी, आप पड़ोसी मुल्क से मुराद आपकी इंडिया क्या बात कर रहे हैं? ओटीटी में अब हो रहा है काम, एक तो मेरा ख्याल मोमिना दुरैद साहब एक प्रोजेक्ट कर रही हैं जिसमें हमजा अली अब्बासी और वो सब लोग हैं, माहिरा भी हैं उसके अंदर। अभी आपने अगर देखा हो तो काशिफ निसार ने अभी पिंक शर्ट बनाया था गालिबन Z5 के लिए, फिर इससे पहले मिस्टर मिसेस शमीम भी, और फिर अभी तीन तारा भी बन रहा है। तो वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं उसमें बीगुल राइटर थी, काशिफ निसार डायरेक्टर थे, वो ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट हुआ, वाहिद इंडियन सॉफ्टवेयर फॉर ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल, दोनों पाकिस्तानी राइटर और डायरेक्टर, फिर वो कैनेडियन फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट हुआ, और फिर वो यूके का जो फेस्टिवल है उसके लिए भी सिलेक्ट हुआ। तो हम कर तो रहे हैं काम, इंशाल्लाह कर लेंगे, और उसमें वासे बेहतर बता सकते हैं कि टेक्निकली कुछ मसाइल ज़्यादा हैं, जैसे ऑडियो के उनके कुछ SOPs और वो सारे हैं वो सब देखने हैं, तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा सवाल नूरुल हसन साहब से है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो सास बहू के मसाइल से कब बाहर निकलेगी? वो कभी नहीं खत्म होंगे, वो खत्म हो गए तो ड्रामे खत्म हो, जब तक सास बहू है उनके मसाइल तो साथ साथ चलते, सास बहू नहीं खत्म हो रही तो फिर मसाइल कैसे खत्म होंगे? लेकिन 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 यू वेरी राइट, लेकिन ये बात आप सही कह रही हैं कि फॉर्मूला एक बन जाता है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बेटा बहुत सारी चीज़ों पे हम चीज़ें कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वासे का बहुत ज़्यादा चीज़ों पे दिल चाहेगा लिखने को, वो कहते हैं ये रेड लाइन है, फिर उससे पहले भी और सारी बड़ी सारी लाइनें होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनमें से अब हमें निकल जाना चाहिए, और 70-75 साल में जो जो कुछ हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर नई गलतियाँ करें तो ज़्यादा मुनासिब है, पुरानी दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, वरना वही कुछ होगा जो हो रहा है। बहुत अब आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट कॉन्टेंट आ रहा है, सास बहू का कंटेंट नहीं चल रहा है, उसके अलावा भी आपको रिलेटेबल कंटेंट चल रहा है, बहुत अच्छा इवन आपका जीवन नगर जो है, और उसके अलावा बहुत से उसके ऊपर ड्रामे हैं जो कि डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कहीं हल्के हल्के बात आगे बढ़ रही है। अभी एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, बल्कि दो आ रहे हैं, एक तो कासिम अली मुरीद ने किया जाने जहाँ, जिसमें हमजा अली अब्बासी मौला जट के बाद पहली बार ड्रामा में काम कर रहे हैं, और दूसरा एक बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है खई, सैयद वजात हुसैन ने डायरेक्ट किया, वो सारा शूट हुआ है गिलगित और सकरदू में, तो उसकी अभी जब वो प्रमोशन आई है तो पीपल फेल्ट वेरी प्राउड कि भाई ये तो क्वालिटी हमें बिल्कुल उसकी नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल वो जब आप देखेंगी और उसके बहुत सारे सीक्वेंसेस देखेंगी तो दैट विल बी समथिंग वेरी न्यू टू पाकिस्तानी स्क्रीन, वो होगा। वासे बैठा तो ज़्यादा अच्छी है, तो वो जानता है बहुत। महबूब आलम साहब ने जैसा किरदार वारिस में किया था वो जो एग्जाम्पलरी रहा, खालिद बट साहब वो रोल कर चुके हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, दिस इज एंड दिस इज हिज करियर बेस्ट इंशाल्लाह। और फैसी कुरैशी भी अब सब, लेकिन खालिद बट साहब वाओ मिल गया। अब आपने क्या जाके सर्च करना है रात को YouTube पे? ठीक है जी।